नमस्कार दोस्तों, गांव एक ऐसा शब्द, एक ऐसी अनुभूति जो हमें बरबस 90 के दशक में लेकर चली जाती है, क्योंकि दोस्तों गांव से मेरी यादें 90 के दशक तक बहुत ज्यादा जुड़ी थी। दोस्तों आज भी गांव जाता हूं, लेकिन दोस्तों सच बताता हूं, वो गांव जो 90 के दशक में मैं छोड़कर आया था, वो गांव अब कहीं नहीं दिखता है। दोस्तों उस समय का गांव, कुछ कच्चे पक्के मकान, वो पेड़ की छांव, वो घर के सामने पूरे परिवार का चरपाई डालकर सोना, वो दादी माँ से कहानियाँ सुनना, गांव के सभी बच्चों का एक साथ मस्ती करना, वो गिल्ली डंडा का खेल, गांव के मैदान में जानवर चराना, वो रिश्तेदारों के आने पर उनका विशेष खातिरदारी करना, मनोरंजन के रूप में रेडियो का बोलबाला होना, गांव के किसी भी कार्यक्रम में पूरे गांव वालों का सम्मिलित होना, एक दूसरे से अपनापन, वो आम की बौराई, घर के सामने कई जानवर होना, उस समय घर की शोभा मानी जाती थी, बैलगाड़ी का बहुत ज्यादा उपयोग होना, ऐसी बहुत सी यादें हैं जो आज भी कोई गांव देखने पर मुझे 90 का दशक याद दिला देती है। दोस्तों जब आज के समय में मैं इस गांव में गया तो कुछ कुछ 90 के दशक के गांव की याद ताजा हो गई। दोस्तों आज भी ये गांव आधुनिकता के साथ साथ अपनी पुरानी संस्कृति को समेटे हुए है। दोस्तों इस गांव के पुराने कच्चे पक्के मकान को देखकर बरबस ही मुझे 90 का दशक याद आने लगा। गांव में घूमते ही जो मुझे आधुनिकता और पुरातन के मिश्रण का एहसास हुआ, उसे दोस्तों शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। दोस्तों बस मुझे सुखद अनुभूति हुई 90 के दशक के गांव की, और मैं मंत्रमुग्ध हो गया इस गांव को देखकर। दोस्तों उसी सुखद अनुभूति को आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों अगर ये प्रस्तुति आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों इसी के साथ अब आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।